अब सब सभी हजरात को मालूम है कि कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ऐलान किया था कि हमारा नानवायन एसोसिएशन की जानिब से कि हमें जायज़ रेट दिया जाए, मगर अफसोस ये कहना पड़ता है कितना डोरे घूंगे इंतज़ामिया, डीसी साहब की इंतज़ामिया है कि इसमें कोई भी किसी ने भी कोई भी रब्ता नहीं किया और हमारा आवाज़ न सुनाई गया। तो आज न्यू इतिहाद नान बयान बलूचिस्तान की जानिब से मैं बरोज इतवार बतारीख 10 नवंबर मुकम्मल हड़ताल करने का ऐलान करता हूँ। जब तक हमारा मुतालबा तस्लीम न हो हम मुजाहरे भी करेंगे और साथ ही अदालत से भी रुजू करेंगे, क्योंकि हमारा कानूनी हक है। हमें अल्लाह ने ये इख्तियार दिया कि अपने हक के लिए चाहे जितना भी तकलीफ हो बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे अपने हक के लिए, हर उस चीज़ से लड़ेंगे जितना हमारा तौफीक में हो, क्योंकि अल्लाह ने ये हमें हुक्म दिया कि अपने हक के लिए लड़ो। नहीं खैर, वो मैंने नहीं कहा था, हमारा किसी साथी ने कहा था, हमारे लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लॉन्ग मार्च तो हर एक अपना सियासी पार्टी है, शायद उसका पार्टी था, उसने ऐलान किया होगा, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले तो 10 तारीख के बाद हम फिर प्रेस के जरिए से इंशाल्लाह जो भी ऐलान किया जाएगा इस प्रेस जरिए से हम करेंगे। 10 तारीख को तो नान भाइयों का शटर डाउन होगा, नहीं एक दिन के लिए नहीं है, हर रोज़ मैं अलहदा इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहूँगा और हवाल से आप लोगों को खबर करूँगा। जी हाँ, 10 तारीख को मुकम्मल हड़ताल इंशाल्लाह। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा 320 ग्राम अब भी दे रहे हैं, 320 ग्राम हमें दिया गया था, उसके बावजूद प्रेस कंट्रोल कमेटी में इजलास में फैसला हुआ था, डीसी साहब ने मेरे साथ किया था कि मैं 10-7 दिन के बाद दूसरा रेट दे दूंगा, मगर वो 7 दिन से पहले लोगों पे छापे लगाए, उससे नाजायज़ जेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके हमने वही 320 ग्राम पे अब भी कायम है। अब भी मीडिया के तौर से हम आपको साथ जा सकते हैं कि बिल्कुल 320 ग्राम अब भी दे रहे हैं।